नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। आने से मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, चूँकि बिहार का जो भविष्य है जन अधिकार पार्टी के अलावा किसी अन्य पार्टी में नहीं दिख रही है। आज की जो स्थिति है उसको आकलन करते हुए हमने यह निर्णय लिया कि बिहार का भविष्य अगर बनेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ जन अधिकार पार्टी से ही बन सकता है। बाकी पार्टियां तो बिल्कुल नींद में सो रही हैं, उनको जनता की कोई चिंता ही नहीं है कि जनता कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किस स्थिति में जनता है, जनता की क्या अधिकार हम खो रहे हैं। इसलिए मैंने जन अधिकार पार्टी में आकर के बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, और इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जिला से लेकर के प्रखंड, पंचायत और बूथ स्तर पर हम लोग मजबूत करेंगे। यही है क्या? आज जन अधिकार पार्टी का जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक थी, और इस कार्यकारिणी की बैठक करके हम लोगों ने तय किया, सबसे पहले अगले सप्ताह में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी का आगमन हुआ था, और राजपुर में ही मैडम ने जन अधिकार पार्टी में ज्वाइन की थी। तो आज पहली बार जिला कार्यालय में उपस्थित होने पर आज जन अधिकार पार्टी के सारे विंग, युवा परिषद, छात्र परिषद, युवा शक्ति और पार्टी की ओर से माननीय अनीता यादव जी का हम लोगों ने पार्टी कार्यालय में स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। और आगे जो हम लोग पहले जो संगठन जो है बूथ वाइज संगठन को हम लोग बनाएंगे और उसमें लगे हुए हैं, डेहरी में हुआ, इसके बाद में हम लोग नोखा में और दिनारा करावर को अभी टारगेट हम लोग किए हुए हैं कि यहाँ हम लोग बनाएंगे, और प्रयास में हैं कि हम लोग चेनारी और काराकाट और सासारा में भी हम लोग जिस ढंग से कार्यकर्ता हम लोग के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, उस ढंग से हम लोग चाहते हैं कि सातों विधानसभा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि अभी फिलहाल अभी चार जगह हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है, बूथ स्तर पर हम लोग संगठन के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। आने वाले भविष्य में हम लोग चाहते हैं कि सातों विधानसभा में जिस ढंग से चारों में हम लोग चल रहे हैं, उसी तरह से सातों विधानसभा में हम लोग आय की रणनीति हम लोग बनाएंगे। अभी प्रखंड स्तरीय हम लोग दिनारा, कोचस, नोखा, अकोढ़ी गोला, काराकाट, चेनारी, तिलौथू, नौहट्टा, रोहतास, इन ब्लॉकों को अभी हम लोगों ने प्रखंड अध्यक्ष बनाया है। शेष बाकी बचे हुए फिर अगले वीक में हम लोग बैठक करेंगे और विधिवत रूप से पार्टी का फिर विस्तार करेंगे हम लोग।